हे गाइस, ये वीडियो है हमारा तीसरा वीडियो जिसमें हम बात करेंगे अबाउट मुझे कौन कौन से मसाले में ले जाने वाला हूँ और कौन कौन सा मैं नाश्ता ले जाने वाला हूँ। अभी मैंने जो नाश्ता लिया है और जो मसाला लिया है वो मैं आपको सब दिखा देता हूँ, और बाद में मैं जब पैकिंग करूँगा तब आपको दिखाऊँगा कि कौन सा मैं फाइनली ले जाऊँगा, क्योंकि मैंने अभी सब जो भी नाश्ता और जो भी मसाला लिया है वो सारा ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि मुझे वो है ना वहाँ पे तो थोड़ा महंगा मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा ले लिया है। तो बाद में लास्ट में देखेंगे कि वेट करने में जो ज़्यादा थोड़ा हो जाएगा तो बाद में थोड़ा बहुत निकाल देंगे मसाला और नाश्ता सब, और कम होगा तो वो सारा रखेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सारे जो जो नाश्ता लिया है वो, तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ सारा नाश्ता और मसाला। ओके, तो मैंने सारा मोस्टली तो डीमार्ट से ही लिया है, और जो नाश्ता है वो मैंने यहाँ मेरे नज़दीक पे स्टोर था जो स्वामीनारायण का प्रेमवती, उसमें से नाश्ता सारा लिया है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो वन बाय वन। रहा मेरा सारा मसाला, ये है धनिया पाउडर, हाँ ये धनिया पाउडर है, ये चिली पाउडर है, ये हल्दी है, ये क्या है लविंग है, ये ब्लैक पेपर है, ये हींग है, ये हमारा मैगी का मसाला है, ये एवरेस्ट का गरम मसाला है, एवरेस्ट का गरम मसाला, ये राई है, ये सारा राई, और बाद में ये सारा राई ज़्यादा लिया है मैंने क्योंकि उसका तो यूज़ ज़्यादा रहेगा। ये जीरा है, ये अजवाइन था कहाँ गया, ये पाव भाजी का गरम पाव भाजी का मसाला है, और अजवाइन भी था, अजवाइन भी ले लूँगा मैं। ओके, तो ये सारा हो गया मसालास, मेरा अजवाइन, और ये थोड़ा बहुत मैंने वो कठोरों वो सब लिया है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे साथ ना ले जाऊँ, बट देखते जो जो मेरा वेट मेरे पास होगा एक्स्ट्रा तो इसमें ले जाऊँगा। ये सारा है, इसमें मूंग और वो सब है, ये चना और ये सब दाल और वो सब है। तो ये सारा मैंने मसालाज हो गया, और ये सो थोड़ा बहुत कठोर और वो सब है, ये भी सारा ज़्यादा ही लिया है मैंने। अभी लास्ट में जब वेट करेंगे तो बाद में देखेंगे कि कौन कौन सा साथ में ले जाना है। अब हम चलते हैं नाश्ते की तरफ, कौन कौन सा नाश्ता मैंने लिया है। ओके, मेरा नाश्ते का पूरा बैग, ये बहुत सारा है, ये मैंने ज़्यादा ही लिया है क्योंकि मुझे पता है कि ये इनिशियल डेज में बहुत काम आएगा। ये रतलामी का सेव बालाजी का है, ये वो फराली केवड़ा है, ये क्या है चनाचूर गरम बाइट्स का, रियल का आलू सेव, ये है क्या है मूंग दाल है, ये फेवरेट हमारा सिंह भुजिया बालाजी का, ये चिप्स है सोया चिप्स है, पर ये सारा अब जो नाश्ता आ रहा है वो सारा मैंने प्रेमवती से लिया है, उसमें भी अच्छा बहुत नाश्ता मिलता है। तो ये रहा हमारा सादी पापड़ी, ये टमटम मतलब गांठिए के जैसा आता है, ये चिकी जो मुझे बहुत पसंद है स्पेशली, और ये है क्या है ये मसाला चेवड़ा, ये रहा शक्करपारा, ऐसी सब गुजराती थोड़ा बहुत गुजराती नाश्ता है, ये आपको अंडरस्टैंड ना हो तो समझ लीजिएगा ये सारा गुजराती नाश्ता है। ये क्या है, ये भी गांठिया है, ये अगेन चिक्की, पर ये मावे वाला चिक्की है, वो सिंपल चिक्की था, ये फुलवड़ी है, अगेन शक्करपारा, ये सोया स्टिक है, ये कौन सा चवाना होगा मीठू, पूरा चिवड़ा है, चिवड़ा है, ये चिवड़ा है, ये सेव है सिंपल सेव, ये गांठिया अगेन, और ये तीखा गांठिया है, ये देसी गांठिया हमारा सिंपल भावनगरी गांठिया, यस ये बहुत फेमस है यहाँ पे, और ये रहा हमारा बाखर वड़ी जो बहुत मज़ा आता है खाने में, आप भी किसी कोई बार लीजिएगा ये, इसको खाओ, ये बहुत बहुत बढ़िया होता है, इफ़ यू लाइक दिस। ये हमारा यहाँ कौन सा है मसाला पापड़ी है, ये
ये भी खाने में बहुत बढ़िया है, मज़ा आता है। बस हो गया हमारा नाश्ता, ये नडियादी चवाना है। बस ये था हमारा पूरा नाश्ता। तो इस वीडियो में मैंने पूरा मेंशन कर दिया, तो मैंने इस वीडियो में सारा मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सा हमें मसाला और कौन कौन सा नाश्ता जो ले जाना है हमें। और ये मेरा सारा फेवरेट नाश्ता था। आपको और कोई पसंद है नाश्ता तो आप वो ले जाइए, बट ये सारा नाश्ता ज़रूर से ले जाइए, क्योंकि इनिशियल डेज में है ना वो नाश्ता बहुत आपको काम आएगा। आप बाहर से महंगा खाना ऑर्डर नहीं कर पाएंगे इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्मल लाइक मिडिल क्लास फैमिली। और ये सब मसाले भी ले लीजिए जो भी, क्योंकि वहाँ पे मसाले बहुत महंगे होते हैं, तो ये भी आपको बहुत काम में आएंगे इनिशियल डेज में। तो ये था हमारा सारा वीडियोस, और मैं अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में, जो होगा हमारा क्लोथ्स के बारे में, जो कि बहुत बड़ा सेक्शन है, पर इसको मैं लास्ट में बनाऊँगा क्योंकि वो स्पेशली बहुत बड़ा सेक्शन है। तो इससे पहले, क्लोथ से पहले मैं एक वीडियो बना दूंगा लाइक अबाउट शूज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, और बाद में देखते हैं कि कौन सा वीडियो पहला पुट करना चाहिए, वो मैं सारा उसका मैनेजमेंट कर दूंगा। बट आप ऐसे वीडियोस देखने के लिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, जिससे मैं वहाँ पे कनाडा जाके भी मैं ऐसे वीडियो बना सकूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, और जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े वीडियोज़ बनाने का। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।